तो गाइस यार आज सुबह सुबह ही यहाँ पर एक हादसा हो गया। गाइस यार यहाँ पर एक बोरवेल है जिसके ऊपर के ढक्कन नहीं लगा हुआ था और पास के अंदर एक बच्चा खेल रहा था और वो खेलते खेलते ही इस बोरवेल के अंदर गिर गया है। अब गाइस हमें कैसे भी करके उस बच्चे को सही सलामत बाहर निकालना है और साथ ही साथ गाइस अंदर उस बच्चे के पास ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए, काफ़ी देर भी हो गई है और अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम है। गाइस एक एक सेकेंड कीमती है, इसीलिए हम किसी भी बाहरी सहायता का इंतज़ार नहीं करेंगे बल्कि खुद ही उसे निकालने की कोशिश करेंगे। जल्दी आओ। और गाइस इसके लिए हम इस्तेमाल में लेंगे एक रोबोट का। बाहर से अगर किसी सहायता को बुलाएंगे, JCB बुलाएंगे खुलाएंगे तब तक यार बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। सबसे ज़रूरी है जितना हो सके उतना जल्दी करना। जल्दी लेके आ, जल्दी आओ। हमारे पास यहाँ पर एक रोबोट है, हम इस रोबोट का इस्तेमाल करेंगे ताकि जल्द से जल्द उस बच्चे को रेस्क्यू किया जा सके। आप देख सकते हैं कि मुझे हल्के हल्के से बच्चे के जो बाल हैं वो दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जो बच्चा उसके रोने की आवाज भी आ रही है। क्या ऑक्सीजन? नहीं, अपना जो रोबोट है उसके अंदर ऑक्सीजन है ना, वो एक्स्ट्रा के लिए। फटाफट करो जल्दी, टाइम बहुत ज्यादा कम है। जैसे जैसे गाइस वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे गाइस यहाँ पे जो है ना आसपास में इतने मकान भी नहीं है और लोग भी नहीं, जो भी है बस हम लोग ही हैं, हम दोस्त लोग हैं और हम सब करें। जल्दी हटाओ, काट हटाओ पूरे, जल्दी हटाओ, बिल्कुल जल्दी। और गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो रोबोट है वो भी तैयार हो चुका है, इसके रस्सी बांध देते हैं फटाफट से। और गाइस इस रोबोट को हमने जो है हमारे लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है। भैया इसके सारे सेंसर ऑन हो गए? हाँ, सारे सेंसर ऑन हो गए। ग्रेट, भाई इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है जिससे कि हम बच्चे को मॉनिटर कर सके कि वो किस तरीके से किस पोजीशन के अंदर है। साथ ही साथ ये रहा इसके अंदर ऑक्सीजन टैंक ताकि जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसे रिलीज कर देंगे। हाँ, जाने दो, थोड़ा सा और। हाँ, मेरे को दिखना स्टार्ट हो गया भैया, जाने दो। नीचे की तरफ, हाँ, और। हाँ, एग्जैक्टली नीचे, थोड़ा सा और नीचे। थोड़ा अंदर जाने दो। ठीक है, अभी मैं क्लोथ कैचर ऑन कर रहा हूँ, बच्चा दिख रहा है। अच्छा, कपड़े के अंदर? हाँ, कपड़ा पहले पकड़ेगा। हाँ, चलो थोड़ा सा अंदर जाने दो। ठीक है। हाँ, ठीक है, बस ठीक है। क्लोथ कैचर ने कपड़ा तो पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया बच्चा। ठीक है, अभी बाहर मत निकालना, अभी हम आम से उसको थोड़ा सिक्योर करेंगे, आम से पकड़ने वाले। मतलब बच्चा उसके पकड़ में, रोबोट? हाँ, रोबोट की पकड़ में है। बच्चे को तो हमने पकड़ लिया है लेकिन थोड़ा सा उसे सिक्योर करने के लिए वो जो आम से उससे लगा रहे हैं, बताइए भैया। बस अभी थोड़ी देर हम पकड़ रहे हैं बच्चे को, बस अब बच्चा पकड़ में आ गया पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरह से बच्चा पकड़ में आ गया है। रुक जा, पहले बाहर निकालते हैं सही सलामत। गाइस बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही है, चलो धीरे धीरे निकालो, बिल्कुल धीरे धीरे। और गाइस सारी तरीके से हम मोबाइल के अंदर और लैपटॉप के अंदर बच्चे को देख पा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से। गाइस मुझे बच्चा दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे।
ध्यान से, ये रहा हमारा लाल। ओ ये रुको निकालो भैया, निकालो आप, छोड़ो छोड़ो बच्चे को छोड़ो। हाँ ये तो गाइस यार फाइनली हमने इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल ही लिया। ये कुछ तो बोल बेबी, ये कपड़ा निकाल देते हैं इसका। ये खैर गाइस, ये तो सिर्फ एक डमी बेबी था, हमने आपको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन वहीं पर सोचो अगर ये एक रियल बेबी होता और इस तरीके के बोरवेल में गिरा होता तब क्या। भारत में हर साल बोरवेल के अंदर गिरने की वजह से कई सारे बच्चों की डेथ हो जाती है, और जब भी कोई बच्चा बोरवेल के अंदर गिरता है तो उसकी डेथ सिर्फ इस वजह से हो जाती है क्योंकि उसे टाइम पे रेस्क्यू नहीं मिल पाता, टाइम पे उसका बचाव नहीं हो पाता। और जब भी ऐसा कोई केस होता है जिसके अंदर कोई बच्चा बोरवेल के अंदर गिरा होता है, तब जो है हम लोग वही ट्रेडिशनल तरीके अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाते हैं, जेसीबीज मंगवाते हैं, फिर उस बोरवेल के चारों तरफ खुदाई की जाती है और फिर उस बच्चे को बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसा जब तक होता है तब तक वो बच्चा या तो ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है या फिर भूख प्यास से। तो गाइस यार आज की टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे पास यार ऐसी मशीन क्यों नहीं है कि हम उससे जल्दी से उसको मशीन को बोरवेल के अंदर उतारे और बच्चे को रेस्क्यू कर ले। तो गाइस यार यहीं पर इनसे मिलिए। नमस्कार, ये है महेश भाई, गुजरात के रहने वाले, और उन्होंने बनाई है एक ऐसी मशीन, एक ऐसा रोबोट जिसकी मदद से हम बोरवेल के अंदर फंसे हुए बच्चे को आसानी से रेस्क्यू कर सकते हैं। तो गाइस यार भारत के अंदर तेजस्वी लोगों की कमी नहीं है, ऐसे मौके पे सीना ठोक के मैं कहता हूँ कि मेरा भारत देश महान था, महान है, महान रहेगा। जय हिंद। तो गाइस यार ये जो रोबोट है ये भैया ने खुद से बनाया है, काफ़ी टाइम लगा इसे बनाने में, बहुत सारी मेहनत की, और साथ ही साथ इसका जो डेमो है वो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दिया। और गाइस यार ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये भी प्रोटोटाइप है, ये फाइनल वर्जन नहीं है। साथ ही साथ इसके ऊपर अभी कवर्स वगैरह नहीं लगा रखे हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। भैया शर्मा रहे, भैया आ जाइए। बिल्कुल यार आपने बनाया है तो मतलब इसके ऊपर अभी कवर्स वगैरह नहीं लगे हैं। भैया ने इसे NDRF जो कि बचाव संस्था होती है गवर्नमेंट की, वहाँ पे शोकेस किया है। साथ ही साथ इसके अलग अलग वर्जन भैया बनाएंगे। तो देखो मैं आपको कुछ चीज़ें जो भैया ने मुझे बताई है मैं आपको बताऊँ। देखो ये इसके पैर है जिससे कि बच्चे को ग्रैब कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर एक क्लॉथ कैचर है। देखो बच्चे को बचाने के लिए मतलब अलग अलग तरीकों का मतलब चुनाव करना जरूरी है ताकि बच्चे को चोट ना लगे और सही सलामत उसे तरीके से, यार नाजुक जान होती है यार सही से करना जरूरी होता है। और साथ ही साथ भैया ने इसे ऑटोनोमस भी बनाया है, यानी कि इसके अंदर मशीन है और इंसान दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे को आसानी से सेफली बाहर निकाला जा सके। तो सर कितना टाइम लगा इसे बनाने में आपको? एक्चुअल में मैंने इसके ऊपर काम 5 साल पहले कर दिया था चालू। मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटी सी बच्ची गिर गई थी बोरवेल के अंदर, और उसी दिन हमारी अग्नि मिसाइल लॉन्च हुई थी, पर वो बच्ची को हम रेस्क्यू नहीं कर पाए थे। तब हमारे अमिताभ बच्चन जी ने एक ट्वीट किया था कि हम चांद तक पहुँच जाते हैं, मंगल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन बोरवेल में फंसी एक बच्ची तक नहीं पहुँच पाते। तो वो बात मुझे ट्रिगर कर गई थी और मुझे लगा कि मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम बच्चे को जल्द से जल्द बोरवेल में से रेस्क्यू कर सके। तो उसके बाद मैंने इस रोबोट के ऊपर काम करना चालू कर दिया था, और उसके बाद मैंने फर्स्ट वर्जन बनाया। उसके बाद NDRF की ओर से मुझे कुछ सजेशन मिले तो उसके हिसाब से मैं आगे के वर्जन बनाता गया। अभी ये तीसरा वर्जन है जो ऑटोमेशन है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ काम करता है। देखो कमाल है। देखो मतलब कि जब भी कुछ होता है ना तो पता है अपन लोग क्या सोचते हैं यार कि मैं क्यों करूं, कौन करेगा अगर ऐसे किसी मशीन की जरूरत है। भाई देखो कोई कंपनी तो इसे बनाती नहीं है क्योंकि ये कोई सेल करने का प्रोडक्ट नहीं है कि यार कि बनाए और लोगों को बेच दिया जाए, इसीलिए ऐसी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता है मतलब। लेकिन
किसी को दिल पे लग जाती है ना बात, और साथ ही साथ ये जो मशीन है पूरी तरीके से भैया का इसमें कोई फायदा नहीं है, ये पूरी तरीके से देश को समर्पित है, क्यों भैया? हाँ, सही बात है, ये इसका जो मैंने पेटेंट करवाया है पेटेंट को मैंने पूरा का पूरा देश को समर्पित कर दिया है। वैसे मुझे कई सारी प्राइवेट कंपनी की ऑफर थी लेकिन मैंने देश को समर्पित कर दिया है पूरा का पूरा इनोवेशन। बस यही लगन चाहिए गाइस। देखिए इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है ये एक प्रोटोटाइप है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में आपने देखा था, इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, साथ ही साथ इसके अंदर ये ऑटोनोमस डिवाइस लगी हुई है, आर्डुइनो लगा हुआ है, और साथ ही साथ इसे मशीनों से इस तरीके से जोड़ा गया है कि बच्चे को अपन देख भी सके अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर प्रेशर सेंसर भी लगे हुए हैं, जो नया वाला जो फाइनल वर्जन है उसके अंदर भैया ने प्रेशर सेंसर भी लगाए हैं ताकि बच्चे को दबाए तो ऐसा थोड़ी ऐसे झगड़ के पकड़ लिया उसकी हड्डी वड्डी तोड़ गई, नहीं उसका मतलब बिल्कुल ध्यान से मशीन पूरा चेक करेगी कैसे क्या करना है, सारी चीजें मिलकर बच्चे को रेस्क्यू करती है। तो गाइस यार दिल खुश हो जाता है जब भी कुछ ऐसा होता है ना, दिल खुश हो जाता है। और गाइस मैं आपसे कहूंगा कि यार आप मेरे लिए नहीं भैया के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले कि वो भी ऐसे नए नए काम करें देश के लिए ताकि देश भी आगे बढ़े और अपन भी आगे बढ़े। तो गाइस यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, मुझे लगा कि ये लोगों को बताना चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ भैया की मदद से। तो भैया एक बार आप भी कह दीजिएगा ना कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, पता नहीं क्यों नहीं करते, किस बात से शर्माते, भैया आप खुद कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी ऐसी नई नई वीडियोज़ और कमाल धमाल वीडियोज़ लोगों के साथ में शेयर कर सकें। हाँ जरूर, आप एक बार ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे देश के अलग अलग जो इनोवेटर्स हैं उसको थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि हम भी कुछ इनोवेशन में नया कर सकते हैं। सही, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी तक तो आपको मैंने बताई नहीं है। हाँ, बताइए। लेकिन अभी 2 महीने के बाद हम इसका जो मेन वर्जन है वो मेन वर्जन बनाकर तैयार करने वाले हैं। Okay. और उसका जो मेन वर्जन होगा वो राजस्थान अजमेर एनडीआरएफ को आपकी ओर से मिलने वाला है। क्या बात है, सही में मजा आ गया। और साथ ही साथ गाइज देखिए, हाँ भैया एक मशीन नहीं बनाएंगे, काफ़ी सारी मशीनें बनाएंगे जो कि अलग अलग जिले के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर वहाँ की जो सरकार होती है वहाँ का जो विभाग होता है उन्हें सौंप देंगे ताकि जब भी ऐसा कोई, देखो यार मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाते हैं यार, हादसों का क्या है, तो वैसे के अंदर अपन फटाफट से रेस्क्यू कर सके और किसी बच्चे की जान बचा सके। आपने देखा होगा यार, आप न्यूज़ वगैरह के अंदर देखते हैं कितने मशक्कत, 2 घंटे 3 घंटे 3 दिन हो गए बच्चा नहीं निकला है, 4 दिन हो गए, और एक बार भी ऐसा केस भी हुआ था तब आपका प्रोटोटाइप से बच्चे को बाहर निकाला था। हाँ, ये कहाँ की बात है? हाँ, वो हरियाणा की बात है, 2020 जनवरी में हरियाणा में एक छोटी सी बच्ची बोरवेल में गिर गई थी और मेरा जो दूसरा वर्जन था वो एनडीआरएफ के पास ऑलरेडी था, फिर वो ट्रेडिशनल रूप से बच्चे को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बच्ची रेस्क्यू नहीं हो पाई, फिर हमारा जो ये प्रोटोटाइप था प्रोटोटाइप की मदद से रेस्क्यू करने की कोशिश की तो आखिर में उसको सफलता मिल गई थी। फिर उसमें उसको जो परेशानी हुई तो उसके हिसाब से मुझे कुछ सजेशन किए तो उसके हिसाब से मैंने ये तीसरा वर्जन बनाया है। भाई देखो जाते जाते एक ही बात कहूँगा, लाखों करोड़ों खर्च हो जाए लेकिन किसी की जान बच जाए ना, बस वही बड़ी बात होती है। तो गाइस यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके बाय बाय।